नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास टेंथ चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.4, जो एक्सरसाइज है ऑप्शनल एक्सरसाइज है, मींस ये आपके सब्जेक्ट में नहीं है, मींस आपके सिलेबस में नहीं है, बट कई बार क्या होता है इसमें से क्वेश्चन दे देते हैं, तो इसलिए हम इस एक्सरसाइज को भी कर रहे हैं। जैसे मैं अभी तक आपने सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ा है, बट इसमें क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। जैसे मान के चलिए मैंने लेट पी एक्स मान लिया कोई ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी, अल्फा बिट्टा गामा इसके तीन, अगर तीन डिग्री है तो तीन रूट होंगे आर दा जीरोज। अल्फा प्लस बिट्टा प्लस गामा क्या होगा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, यानी कि जो एक्स स्क्र के साथ है उसको कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्र डिवाइड बाई कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब अल्फा बिट्टा गामा, अल्फा बिट प्लस बिट्टा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, सी बाई ए, यानी कि जो कोफिशेंट ऑफ एक्स है डिवाइड बाई कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। अब अल्फा बिट्टा गामा यानी कि तीनों की प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस डी बाई ए, यानी कि लास्ट वाला और ये पहले वाला, ठीक है, माइनस डी बाई ए, ये आपने याद रखने हैं। जैसे फर्स्ट सम है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन दैट गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो द देयर जीरोज, ऑल्सो वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशेंट इन ईच केस। पहले तो पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे ये दे रखा है, ये दे रखा है, क्या ये इसके जीरोज हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, नाइन्थ में भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे एक्स की जगह वैल्यू पुट करते हैं, अगर हमारी जो आंसर है, हमारा जो सोल्यूशन है, अगर जीरो आया तो हम क्या बोलेंगे, वो इसका क्या है, जीरोज है। जैसे माइनस दो और एक बटा दो आप पुट कर लेना, मैंने एक को पुट किया है तो एक्स की जगह एक पुट कर दिया, एक की पावर तीन, एक की पावर दो, पाँच गुना में एक, ठीक है। अब दो प्लस एक माइनस पाँच, जैसे हम इसको क्या करते हैं, पाँच दो एक तीन दो पाँच, तो क्या आया, जीरो आया। इसका मतलब क्या है, एक्स बराबर एक, इसका जीरो जे पी एक्स का। अब हमने रिलेशनशिप दिखानी है, जैसे 2.2 के जैसे फर्स्ट हम दिखाते हैं, ऐसे ही इसमें रिलेशनशिप दिखानी होती है। इसने बोल रखा है हमारी जो पॉलिनोमियल होती है वो क्यूबिक कैसे होती है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कंपेयर करते हैं इसको, जैसे देखो ए बराबर क्या होगा 2, बी बराबर क्या होगा 1, सी बराबर क्या होगा माइनस 5, डी बराबर क्या होगा 2, ठीक है। अब आप पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया है अल्फा प्लस बिट्टा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होता है, तो बी यहाँ पे कितना है 1 और ए कितना है 2। तो देखो अल्फा प्लस बिट्टा प्लस गामा, अल्फा कितना माइनस दो, बिट्टा कितना एक बटा, तो गामा एक। अब माइनस बी, बी कितना है अब आपका एक, माइनस का हो गया डिवाइड बाई ए, ए कितना दो। अब माइनस दो एक बटा दो प्लस एक को जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस एक बटा दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बीच इज ट्रू। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बिट्टा बिट्टा गामा गामा अल्फा, ये क्या होता है, सी बाई ए, हेयर सी इज इक्वल टू माइनस फाइव, सी इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड ए इज इक्वल टू टू, एंड अल्फा बिट्टा वन बाई टू इंटू वन, वन इंटू माइनस टू, माइनस टू इंटू वन बाई टू, जब हम इनको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस फाइव बाई टू, यानी कि ये भी हमारा क्या है, ट्रू। अब अल्फा बिट्टा गामा यानी कि माइनस डी बाई ए, डी क्या है यहाँ पे, डी दो है जी, और ए कितना है दो, तो अल्फा बिट्टा गामा यानी कि माइनस दो गुणा एक बटा दो गुणा एक, तो डी कितना है माइनस का दो और ए कितना है दो, तो दो से दो कट गया माइनस का एक, और जब इनकी मल्टीप्लाई दो से दो कट गया माइनस का एक, तो ये क्या आया, इक्वल टू आया, विच इज ट्रू, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशियंट एंड जीरो जो वैल्यू एनी पॉलिनोमियल। सेकंड पे आइए, अब सेकंड सम क्या है, सेकंड सम कहता है कि फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, विद द सम, सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज, यानी कि पहले तो क्या दे रखा है, तीनों का जोड़ दे रखा है, फिर अल्फा बिट्टा प्लस बिट्टा गामा प्लस गामा अल्फा ये दे रखा है, फिर तीनों का प्रोडक्ट ये दे रखा है, और ये बोल रहा है कि आप पॉलिनोमियल बताइए कैसे करते हैं। जैसे देखो लेट पी एक्स, हमने पी एक्स मान लिया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हूज जीरोज आर अल्फा बिट्टा गामा, ठीक है। गिवन में क्या है, अल्फा प्लस बिट्टा प्लस गामा दो दे रखा है जी, ठीक है, अभी पढ़ा हमने, और अल्फा बिट्टा बिट्टा गामा गामा अल्फा क्या है, माइनस का साथ, अल्फा बिट्टा गामा कितना, माइनस का चौदह। हम जानते हैं भाई, देखो अल्फा प्लस बिट्टा प्लस गामा कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है,
अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस का डी बाई ए हम जानते हैं। अब जैसे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या देखा है, दो, इसके बराबर क्या देखा है, माइनस सात, इसके बराबर क्या देखा है, माइनस चौदह, हम पुट कर देंगे। जैसे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया, माइनस बी बाई ए, किसके बराबर, दो बटे एक, मैंने डिवाइड बाई वन कर दिया। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये क्या, माइनस का साथ, इसके बाई में भी वन कर दिया। अल्फा बीटा गामा ये क्या, माइनस डी बाई ए, डी कितना मान के चलिए माइनस चौदह है, माइनस चौदह बटे एक। अब आप ध्यान से देखो सभी के नीचे जैसे सी बाई ए माइनस बी बाई ए, तो सभी अकेले आ रहे, इसका मतलब सभी के नीचे क्या मिलेगा, एक एक मिलेगा, हमें ए तो मिल गया जी, क्योंकि जब कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू क्या आया, वन, ठीक है। अब ये होता माइनस बी बाई ए, देखो जब तीनों का जोड़ क्या आ रहा है, पॉजिटिव दो आ रहा है, कितना आ रहा है, पॉजिटिव दो, इसका मतलब पता है क्या है, और फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, बट ये तो प्लस का हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दो बी किसका मिलेगा, माइनस का, यानी कि बी किसका मिलेगा, माइनस का, तो बी क्या हो गया, माइनस दो। अब सी कितना होगा, सी सीधा ही आपको पता, सी बाई ये पॉजिटिव होता है बट यहाँ पे नेगेटिव है, तो सी क्या हो गया, सीधा ही नेगेटिव हो गया। और डी क्या होगा, डी आपका माइनस 14 है। जैसे देखो अब एक बात बताइए, डी आपको दे रखा है, उनका सम कितना दे रखा है, माइनस 14 दे रखा है, यानी कि ये 14 आ रहा है आपका, ठीक है, माइनस डी बाई ये होता है, तो ये 14 ही, माइनस 14 ही आया, इसका मतलब डी क्या है, प्लस का 14, क्या है, प्लस का 14। जब आप ए की जगह बी की जगह सी की जगह पुट करते, तो ये आपका क्या होगा, पॉलीनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल, जो इसने पूछा है जी, ठीक है, रिक्वायर्ड ऑफ पॉलीनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल। अब थर्ड सम पे आइए, इफ द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स के प्लस एक्स प्लस वन, देखो ये है जी पॉलीनोमियल, इसके तीन जीरोज दे रखे हैं, क्या क्या, एक तो दे रखी है ए माइनस बी, एक दे रखी है ए, एक दे रखी है ए प्लस बी। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज क्या होता है इसका, देखो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी कि इसके बटे में ये होता है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ जाएगा, प्लस का तीन आ गया। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट डिवाइड बाई एक्स क्यूब का कोफिशियंट, तो कितना आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तीन हो गया। और जीरोज क्या दे रखे हैं, ए माइनस बी, ए ए प्लस बी, तो देखो सम ऑफ जीरोज क्या हुआ, ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, देखो बी से बी कट गया, तो क्या आया, थ्री इज इक्वल टू थ्री आया, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। और इसने पूछा क्या, फाइंड ए एंड बी। अब प्रोडक्ट देखो जी, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ए माइनस बी ए ए प्लस बी, क्या होता है ये प्रोडक्ट, ये क्या होता है, माइनस डी बाई ए, क्या होता है, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए होता है, यहाँ पे डी कितना आपका, देखो माइनस डी बाई ए, डी क्या है, एक, ए क्या है, एक, तो क्या आया, माइनस एक बटे एक, क्या आया, माइनस का एक। अब मेरे पास ए की वैल्यू तो आ रही है, एक आ रही है, एक माइनस बी, ए की जगह एक, एक प्लस बी माइनस एक। अब ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया, वन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। अब माइनस वन को उस साइड लेके गए, बी को उस साइड, तो क्या हो गया, वन प्लस वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस अंडर रूट टू, यानी कि बी की वैल्यू क्या आई हमारी, प्लस माइनस अंडर रूट टू, तो ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट टू। तो यहाँ तक इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन डाले हैं, जैसे फोर्थ और फिफ्थ नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।